यूट्यूब दिस अबाउट मी आई हैव मोर दैन जर एक्सपीरियंस कंप्यूटर लेवल एग्ज़ाम कंपिटिशन लेवल एग्ज़ाम एंड वर्किंग विध डिफरेंस कोच एग्जाम मेरा नाम छबी सक्सेन है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है कोर्स मैं आपको कॉम्पटिशन लेवल्स की जो प्रपेश करती हूँ यू पी एस सी और जो बैंक एग्जाम की प्रपेशन एग्जाम आने वाले हैं बी पी एसरबीज के अभी लॉकडाउन से प्रॉब्लम चल रहा है कोरोना वायरस के जब प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वही चीज़ें आपको प्रपेशन तो कंटिन्यू रखनी ही है तो आप अच्छे से घर पे बैठ के प्रपेशन पे कर सकते हैं आपको अच्छा टाइम मिला है तो आप अच्छे से अपने प्रिपेशन कर सकते हैं तो आपको अच्छे से प्रिपेशन करनी है मैं सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराऊंगी अभी जी में करंट अफेयर चल रहा है मार्च का इसमें नेशनल आपको बता रही हूँ नेशनल अफेयर के बारे में बता रही हूँ तो इसमें सबसे पहले आपका नेशनल बैंक एस का जो एग्ज़ाम आप आ, करेंगे मेन एग्ज़ाम एस बी एग्ज़ाम देने जाएंगे और आई एग्ज़ाम देने जाएंगे आर के एग्ज़ाम तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा बैंक एग्ज़ाम के लिए ये जो कोर्स है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा और एस लेवल्स में भी जो आपका करंट आता है जी आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकता है ओके चलिए मैं कोर्स स्टार्ट करती हूँ और ये नेशनल काफेयर है कुछ मैं आपको टेंथ मार्च तक का वन वीक का आपको बता चुकी हूँ आज उसके आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे तो फटाफट आगे बढ़ते हैं ऑल न्यूज़ आपको बताई जाएंगी इसमें यहाँ पे दे रखा है ऑल न्यूज़ बताई जाएंगी इसमें की और इंटरनेशनल्स भी बताया जाएगा नेशनल्स भी बताया जाएगा बैंकिंग के रिलेटेस भी बताया जाएगा स्टेट वाइज अफेनर्स और जो आपके डेफिनेंसेस हैं और आपका जो सारी चीज़ें जो होती हैं करंट अफेयर के उसके सारी चीजों के बारे में हम आपको प्रोवाइड करेंगे फटाफट आगे पढ़ते हैं तो उसमें हमारा यहाँ पर आपको नेशनल करंट अफेयर भी बताया जाए हैदराबाद मेट्रोज रेलवे स्टेशन इज अ पार्टनरशिप विद पेटीएम हैज़ लॉन्च पेटीएम से उन्होंने क्या किया, किया है पार्टनरशिप की है लॉन्च किया है इसको लॉन्च uh, किया है क्यू आर कोड्स बेस्ड एंड टिकट मेट्रोज सिस्टम्स एंड एंडपुर मेट्रो स्टेशन लो मेट्रो स्टेशन हैदराबाद तेलंगान तेलंगाना तो इसमें कहने का मतलब है जो आपका हैदराबाद मेट्रो स्टेशन है उन्होंने पेटीएम हैज़ का कोड के अकॉर्डिंग बेसिक मेट्रो स्टेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया लॉन्च किया नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका आता है गुजरात के बारे में गुजरात एज अ टॉपर्स लिस्ट इन द इन द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस आ, इन्होंने क्या इंस्टॉलेशंस ऑफ द सोलर रोप टॉप प्लॉट्स एंड को बैट्स एंड अकोर्स कंट्रीज़ विद द अबाउट फिफ्टीन पॉइंट नाइन फिफ्टीन सिस्टम्स बिगिंग द फिक्स एंड डोमेस्टिक रोपटॉप इन द स्टेट ऑफ अचीव एंडल्स पावर एंड जनरेशन गोल्स तो इनका क्या गोल्स है गुजरात के जो उन्होंने क्या है टॉपेस्ट इन दोलर सोलर प्लांट्स लगाए हैं कंट्रीज़ में और कितने लगाए फिफ्टीन पॉइंट नाइन फिफ्टी सिस्टम्स लगाए हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाफट यहाँ पे आता है हैदराबाद मेट्रो स्टेशन पे पेटीएम हैज़ लॉन्च किया पार्टनरशिप करी उन्होंने ये पता ना चाहिए नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन तो यूनियन आ, के बारे में बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट सेट अप द कमेटी कम्पराजिंग ऑफ द रिस्पॉन्स ने ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रेलवे मिनिस्टर्स फॉर द एम्प्लॉमेंट्स ऑफ द किसान रेलवे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं किसान रेलवे के बारे में बात करें तो किसान uh, रेलवे के जो हम बारे में बात कर रहे हैं तो इसको पा, uh, की प्राइवेट पार्टनरशिप पी, पी तो पी, पी के बारे में हम यहाँ पर बात करें हैं डाओ डाउट लिंक द फार्मर्स इनकम्स अब इसमें क्या कहना चाह रहा है जो आपके एग्रीकल्चर सेल भी है तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं जहाँ पर हम बात कर रहे थे ना यूनियन गवर्नमेंट ऑफ कमेंट्स ऑफ इसमें बता रहा है आपको पीपीटी यानी कि केंद्र सरकार ने किसान रेल के करवेदन के लिए कृषि और रेलवे मंत्रालय समिति का गठन किया है पी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीटी का इसकी फुल फॉर्म भी जरूर पूछ सकता है तो आपको यह पता होनी चाहिए तो फटाफट आप इसको याद कर लीजिए यूनियन गवर्नमेंट्स अप्रूव द नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एन एच ए आई अब इसकी भी फुल फॉर्म पहुँच सकता है नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफ ऑफ द फर्स्ट वे ऑफ द न्यू हाईवे इज ऑलमोस्ट वन सेवेंटी किलोमीटर इलेवंथ मार्च की न्यूज है तो इसमें बता रहा है कि केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रति, प्राधिकरण में एनएच ए आई में लगभग सत्तर किलोमीटर का एक नया राजमार्ग की मंजूरी दी मतलब राजमार्ग जो हमारी रोड्स हैं उसके लिए हाईवेज़ के लिए एक वन सेवेंटी किलोमीटर्स के हाईवे के लिए उन्होंने मंजूरी दी किसने यूनियन मिनिस्टर बात राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिधार की तो ये पता होना चाहिए आपको वन सेवेंटी ग्यारह मार्च को चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका मिनिस्टर ऑफ कॉपरेट अफेयर एम सी ए ये इसकी फुल फॉर्म हमेशा हमें पता होनी चाहिए मिनिस्टर ऑफ कॉपोरेट की तो ये आपको पता होनी चाहिए ये आपको फुल फॉर्म दे है नेक्स्ट हैज़ अ सेट ऑफ द ट्वेल्थ मेंबर हाई लेवल कमेटी अंडर द इज इट्स कॉपोरेट अफेयर सिक्योरिटी टू प्रिपेयरिंग द इन्वेस्टिगेश ऑफिसर एस एफ आई ओ इनिगे ऑफिसर के स, बारे में बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी ऑफ टू प्रिपेयर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो इसकी भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए एफ आई ओ तो ये क्या है हमारा मार्च में ऐसा क्या हुआ था तो जो कॉपोरेट मामले के मंत्रालय होते हैं एम सी एफ होते हैं आपको पता ही होगा ने जो प्रभु एजेंसीज होती हैं उनकी सीरियल्स फंड और ऑफिस के लिए ऑफिस के लिए क्या किया है जांच मैनुअली तैयार की है और इन एजेंसियों में आ, क्या किया गया सीनिवर्स कॉपरेटिव ऑपरेशन के लिए तहत बारह सदस्यों को उच्च स्थानीय समिति का गठन किया बारह सदस्यों का क्या किया, किया? उच्च समिति का समिति का गठन किया कॉपरेट कॉपोरेट किया जो है सचिव के तहत जो ऑफिसर्स हैं उनके सचिव के तहत तो ये पता नहीं चाहिए एजेंसी को ये क्या है प्रोवाइड किया गया है और बारह सदस्यों के लिए तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट आप बात करते हैं

जाहिर सी आपको पता ही है कोरोना वायरस के चक्कर में इन सभी देशों में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रखा है कोरोना वायरस महामारी बन गई है तो इन्होंने क्या किया चौदह दिन के लिए डब्ल्यू ने मना कर दिया है कि चौदह दिन के लिए आप इन शहरों में नहीं जाएंगे अस्पताल की निगरानी में ही रहेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं फटाफट ऐप आपका पता होना चाहिए नेक्स्ट आता है पंजाब चीफ सिक्योरिटीज करण अवतार सिंह हैज़ द लॉन्चे ऑफ कोवत पंजाबी टू तो, टूस पीपल्स अबाउट अ कोरोना वायरस डिसूज इसकी फुल फॉर्म क्या है कोवत स्टैंड फॉर कोरोना अलर्ट इसमें क्या होगा पंजाब की सरकार ने क्या किया है मुख्य सचिव के आ, जो करण अवतार सिंह हैं उन्होंने कोरोना वायरस रोग लोगों को जागरूक करने हेतु कोवड पंजाब ऐप लॉन्च किया है तो उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया था कब लॉन्च किया था वही ग्यारह मार्च के समथिंग लॉन्च किया था सबसे पहले उसके बाद हमारा आरोग्य ऐ ऐप आया था तो उन्होंने अलर्ट करने के लिए जैसे हम ये कर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो हम अलर्ट आ जाएंगे कि अगर हमारे नियरेस्ट कोई पर्सन है ऐसा जो पता है उसको कोरोना वायरस है तो ये ऐप उन्होंने लॉन्च ला, किया था तो बहुत अच्छा है ये पीपल्स की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी ऑफ पंजाब के चीफ जो है हमारे सचिव हैं मुख्य सचिव हैं उन्होंने ये लॉन्च किया चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं द दमर्स जो आपकी कमेटी है उसके बारे में बता दें पिक समिति इन्हें कमेटी ऑफ द इंडिया हैज डिसाइडेड टू तो पुट ऑन द होल्ड ऑल नेशनल एंड स्टेट ऑन द फिफ्टीन अप्रैल इन द वर्क ऑफ द नोवा कोरोना वायरस एंड आउटब्रेक और ट्वेल्थ मार्च अब इसमें ये कहना क्या चाह रहा है जो भारतीय इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया जो भारतीय पैरालंपिक समिति है पैरालंपिक समिति आपको पता ही है।, है जो नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए पंद्रह अप्रैल तक सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राज्य चैंपियन होल्ड रखने का निर्णय दे रही है मतलब जो हमारी वो होते थे स्पोर्ट्स होते थे तो जाहिर सी बात है नेशनल इंडिया न्यूयॉर्कस में होते थे और भी कहीं कहीं जगह पे होते थे इसलैंड में होते थे काफ़ी जगह हमारे जो स्पोर्ट्स होते थे बास्केटबॉल वा, टेनिस क्रिकेट तो सभी को क्या कर दिया है कोरोना वायरस के प्रॉब्लम से निपटने के बाद ही हम इसको आगे देखेंगे कंटिन्यू लेकिन अभी पंद्रह अप्रैल तक को होल्ड पर रखा गया है ये मार्च में अनाउंसमेंट हुई थी अभी अप्रैल में न्यू अनाउंसमेंट होगी आपको वो भी मैं बता दूंगी तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं ये ट्वेल्थ मार्च की न्यूज़ है नेक्स्ट बात करते हैं द मेन नेशनल इवेंट्स फॉर फॉर द इंटरनेशनल स्टेज ऑफ योगा विल वी हेल्प एंड लेट्स कैपिटल ऑफ लद्दाख ऑन द ट्वेंटी ऑफ जून एंड ट्वेंटी ट्वेंटी अब इसमें कहने का ये मतलब है इनका uh, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम को इक्कीस जून दो हज़ार बीस को लद्दाख की राजधानी में आयोजित किया जाएगा योगा दिवस जो है लद्दाख की राजधानी में ये आयोजित होगा तो ये इक्कीस जून को होगा तो इक्कीस जून तो अभी काफ़ी टाइम है देखते हैं होता है कि नहीं होता है अब कोरोना वायरस के चक्कर में भी तो चीज़ें काफ़ी डिले कर रखी हैं तो ये आपको कहाँ होता है योगा दिवस कहाँ मनाया जाता है कि लद्दाख की राजधानी में इक्कीस जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय कार्यक्रम है ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस यानी कि डेज की बात हो रही है तो इसके बारे में भी हम आपको अच्छे से बताएंगे सारे डेज कब होते हैं नेशनल हो गए चाहे इंटरनेशनल हो गया तो आप कोई भी डाउट मत रखिएगा अभी सिर्फ हम बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं करंट अफेयर की कि नेशनल्स में हमारा मार्च में क्या क्या हुआ था नेक्स्ट बात करते हैं हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान आपका आता है यहां पे हिंदुस्तान एयरटेस्ट लिमिटेड हॉल इज लुकिंग अप बेसिक ऑफ एंड एंड ये सारे बताया गया है उन्होंने तो इसमें क्या है इंडोशिया और श्रीलंका बेस्ड स्थापित है इसमें कहने का मतलब ये है कि जो एच एल है हिंदुस्तान एयर लिमिटेड मलेशिया मलेशियांत इंडोनेशिया और श्रीलंका बेस स्थापित है इन बेस में भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस हेलीकॉप्टर को खरीदने का वहां हैं जो इंडिया के हैं विमान वगैरह लड़ाकू विमान है उनको खरीदने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी है इन्होंने मलेशिया में, में इंडोनेशिया में और यहाँ पे तो ये आपको पता होना चाहिए चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं फेसबुक तो फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक इंडिया कॉल्ड इट फॉर द एप्लीकेशन फॉर इट्स द एस सी एस आर सी एस आर की फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट आता है सेंटर फॉर सोशल इनोवेशन अपनी इन्होंने क्या किए हैं फेसबुक प्रगति पावर्सिटी ऑफ एन कोरो सेंटर्स फॉर द सोशल इनोवेशन इनोवेशन मतलब इन्होंने कह रखा है कि फेसबुक इंडिया जो है सेंटर्स सोशल इनोवेशन अपनी सी एस आर का पहला फेसबुक प्रगति आवेदन किया जाएगा आ, क्या किया जाएगा इसका आवेदन किया जाएगा आ, इसको आ, और इनोवेट किया जाएगा और इसमें आगे चेंजेस भी, भी कर सकते हैं इनोवेट भी कर सकते हैं सीएसआर के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस पे नमस्ते इंडियाज वे ऑफ ग्रीटिंग्स एंडस्टेन ऑफ द नॉर्मल हैंडशेक्स हैज जो नॉर्मल हम हैंडशेक करते थे लेकिन अब क्या है मोस्ट परफॉर्म फॉर द जो है फिजिकली कंडन विद द अदर तब इसमें वही है कोरोना महामारी के समान हैंडशेक के बज जाए नमस्ते किया जाएगा क्या किया जाएगा नमस्ते किया जाएगा एंड नेक्स्ट आपका शारीरिक संपर्क कम करना पसंद करेंगे और प्रिंस चार्ल्स लंदन विवाह आ, इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा है प्रिंस चांद को भी कोरोना वायरस हो गया था तो वही चीज़ें इन्होंने अलर्ट करने को कहा है कि लोग अब हैंड चेक के बजाय नमस्ते करेंगे एक महामारी है चलिए बस इतनी ही इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है प्रिंस चांद एक उन्होंने मतलब अलर्ट दिया है कि आप ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स देगा ये कौन है प्रिंस लंदन के हैं बट नेक्स्ट बात करते हैं ड्यू टू द आउट गोइंग आउटवर्क ऑफ द कोवर नाइनटीन कोरोना वायरस गवर्नमेंट हैज़ एन ओ टी फीट एंड ऑर्डर अंडर एक्ट एंड डिक्लेयर हैंड सैनिटाइजर एंड मास्क एंड स्टेन जो कम्यूटी विदर्टींस जून बाई दूलिंग ऑफ इंस्टेलिंग कॉमोनीशंस एक्ट नाइनटीन नाइनटी फाइव तो इसमें ये बताना चाह रहा है आप कि जो कोविड नाइन्टीन है तो कोविड नाइन्टीन कोरोना वायरस के प्रकोप से नाइनटीन के अनुसूचित संशोधन तीस जून तक दो हजार बीस तक हैंड सैनिटाइजर मास्क सुनिश्चित सुनिश्चित किया जाएगा और एम दोनों वस्तुएं कानूनिक अधिनियम सलाह दी जाएगी मतलब जो इसकी एम रहेगी वो अब की जितनी ही है मतलब जो एम है वो नॉर्मल रहेगी और आपको ये कब तक यूज़ करना है नाइन तीस जून टू टू ट्वेंटी ट्वेंटी तक इसका यूज़ करना है इस महामारी से बचने के लिए तो ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट आपको बात करते हैं ये यहाँ पर दे रखा है तीस जून नेक्स्ट बात करते हैं इंडियंस ट्वेंटी ट्वेंटी ऑफ विजनल सिविल्स एंड एवोसिएशन एंड एयर इवन द लॉन्च एंड इवन वाज द लॉन्च इन्होंने लॉन्च किया एट विग पट एयरपोर्ट्स एंड हैदराबाद हैदराबाद तो इसमें हैदराबाद की बात करी है वैगम पेट हवाई मेगमट हवाई तो एयरपोर्ट्स के बारे में बात की है दो नागरिक अपना uh, और एयर एयरसपे कार्यक्रम विक्स इंडिया दोन ट्वेंटी ट्वेंटी हैदराबाद के शुभारंभ यह आयोजन भारतीय विमानन प्रदेश फिक्स और रेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंस्टीट्यूट में इंस, इंडस्ट्री सॉरी इंडस्ट्री में किया गया था तो वही चीज़ है कि वे इंडिया पोस्ट के द्वारा फ्री यहाँ पे दे रखा है आपको कि जो वैकपेंट हवाई अड्डा है ये नागरिकों की उड़ान के लिए कार्यक्रम इंडिया में 2020 में हैदराबाद के शुभारम्भ किया जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया पोस्ट इंट्रोडक्सिंग ऑफ द फ्री सेलिंग लॉकर सर्विस व्यू द डिजिटलिंग एनेबल एंड एन ओशा एंड कोलकाता तो कोलकाता में क्या हुआ है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस ने फ्री लॉकर की सेवा जारी की है तो ये पता होना चाहिए इंडिया पोस्ट ऑफिस डिजिटल रूप से क्रिय क्रियाशक के माध्यम से अभी भी बता दें कि किस सर्विस के माध्यम क्रियोशक के माध्यम से एक मुफ्त डिजिटल पर्सनल लॉक की सेवा शुरू करी है ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम फटाफट द महाराष्ट्र महाराष्ट्र की बात करेंगे और यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने मुंबई में सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना सर शेख मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दी है तो भैया द महाराष्ट्र स्टेट कैमिनेट हैज़ अप्रूव द प्रोशनली रीनेम्स द मुंबई सेंट्रल स्टेशन इन सिटी एज इन्होंने नाम क्या देने को कहा है हटाकर नाना सा मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन तो पता होना चाहिए आपका महाराष्ट्र के जो हैं उन्होंने ये राष्ट्र मंत्रिमंडल हैं जो उन्होंने ये फैसला लिया है उन्होंने उसका नाम चेंज किया है फटाफट आप बताते हैं आपको यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी यानी कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट एंड गिशंस एंड यू जी यू जी सी विथ द असिस्टेंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज सेटिंग अप द टेन चेयर्स इन डिफ्रेंस फील्ड टू केयरिंग आउट रिसर्चिंग एक्टिविटीज़ इन फॉर वुमेन मतलब इसमें कहने का यह है कि महिला एक बाल विकास मंत्रालय की सहायता से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यू महिला पहचान करने के अनुसार आ, क्या करेंगी विचित्र क्षेत्रों का दस सदस्यों के अध्यक्ष नियुक्त करेंगी मतलब महिलाएं महिला, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मतलब महिला और बाल विकास की सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सी जी महिला पहचान शुरू किया है जो 16 मार्च को उन्होंने शुरू किया है और ये भी क्षेत्रों में दस सदस्यों के अनुषित किया जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम आल रोल ऑन सेवेन्टीन मार्च को ये हुआ है तो इसमें मुंबई भी आया है आप का हाँ ठीक है मुंबई और रोल एंड कॉम रोल ऑफ कॉम पैसेंजर्स देंडली सर्विस कॉल द रोपेक्स बिटवीन स मुंबई नेवा नियरिंग अलवागन बाज़ा लॉन्जस मतलब इसमें क्या है अलिबाग के पास मुंबई और मांडवा के बीच रोल ऑन रोल ऑफ कम वैसे सेवा लॉन्च की है कौन सी से सेवा लॉन्च की उन्होंने रोल ऑन रोल के बीच जो आपकी सेवा लॉन्च की है इन्होंने पैसे मुंबई से, से, से मारमार्ग की दूरी पर एक सौ तो दस किलोमीटर में okay, तो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट आता है नेशनल मिशन फॉर द क्लीनिंग गंगा ऑफ एन एम सी सी ऑर्गेनाइज द ग्रांड इवेंट इन द नेशनल कैपिटल तो यहां पर फ्लैसिप प्रोग्रामिंग गंगा गंगा जो है हमारे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन प्रमुख अर्घर्ता गंगा माता नविहान के संपर्क हेतु राष्ट्रीय राजधानी एक भव्य आयोजन किया है अमित शाह मुख्य अतिथि रहेंगे मतलब राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में जो हमारी गंगा है उनको स्वच्छ करने के लिए एक मिशन चालू किया था उसे भव्य आयोजन होगा और ये अमित शाह भी उसमें सामने देंगे तो वही हमारी गंगा को साफ करने के लिए स्वच्छ करने के लिए मिशन जारी किया गया था लेकिन अब कोरोना वायरस के चक्कर में अब देखिए वहाँ पर इतना पॉल्यूशन नहीं हो रहा है लोग इतना इधर उधर जो भी है आपका कूड़ा वगैरह फेर दे फेंक देते हैं डस्टिंग कर डाल देते हैं तो वो चीज़ नहीं हो रही तो अब तो बिना उनको जो है योजना के बिना योजना के भी गंगा इतनी साफ़ है हर जगह का जो नदी है कहीं पे या फिर जो गंगाएं हैं हमारी वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और अच्छे से दिख रही हैं तो वही है हम लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ एक्स अफेयर मतलब एम ई ए नहीं जो है हैज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन फॉर हेल्पलाइन ऑफ कोवन नाइनटीन ऑफ द टोल फ्री नंबर्स ऑफ द कंट्रोलिंग रूम और वन इज कंट्रोलिंग रूम नंबर फटाफट आप ध्यान से पढ़ लीजिए देखिए वन एट ज़ीरो ज़ीरो वन वन एट सेवन नाइन सेवन मिनिस्टर ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर्स इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको विदेशी मंत्रालय ने कोविड नाइन्टीन के लिए ट्वेंटी फोर हेल्पलाइन शुरू की है जो कंट्रोलिंग रूम टोल नंबर है वन एट जीरो ज़ीरो वन वन एट सेवन नाइन सेवन चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लोग ई मेल भी कर सकते हैं तो ई मेल आई डी भी है कोवड <coughs> नाइनटीन एट द ग्रेट एम ए डॉट गवमेंट इन मेल भी कर सकते हैं ओके okay, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका है यहाँ पे रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड फोर सिक्सटी नाइन्टी फोर करोड़ ऑफ द लोन हैज बीन अंडर ऑफ द स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम्स ऑफ द नाइनटी वन थाउजेंड अकाउंट ऑफ द टेंथ थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी मतलब दस मार्च साइंस ऑफ इंस द स्कीम तो इसमें बीस हज़ार जो है योजना के शुरुआत में तीन आ, मार्च को नेटवेयर से अधिक खातों में स्टेप ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ इंडिया की बात हो रही है इसमें

केंद्र संसद ने जम्मू कश्मीर के सहवाति सूची में थर्टी सेवन केंद्रिक कानूनिक अनुकूलित सूचना जारी की है कितनी थर्टी सेवन की केंद्रीय कानूनिक सूची जारी की है तो ये आपको पता उन्हें थर्टी सेवन सेंट्रल्स लॉस की केंद्रीय के कानूनिक योजना सूचना चारू की है नेक्स्ट बाद बताते हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल की रेलवे मिनिस्टर्स पीयूष गोयल डेट वील्स ऑफ द कटरा रेलवे लिंक इजन वन 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 यानी कि हंड्रेड किलोमीटर्स लॉन्ग जम्मू एंड कश्मीर विल बी कम्प्लीट बाय द ट्वेंटी ट्वेंटी वन मतलब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर के वनिहाल से कटरा से रेलवे लिंक एक सौ ग्यारह किलोमीटर लंबी दो हजार बीस तक पूरी हो जाएगी लेक इसमें रेल लाइन्स के ब्रिज जो नदी से ऊपर किलोमीटर की ऊंचाई पर रेलवे ढांचा होगा एक रेलवे ढांचा टाइप का होगा तो ये कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे मिनिस्टर ने कहते डिफेंसिस ऑफ रक्षा अधिग्रहण परिषद डी ए सी यानी कि डिफेंस एक्वेशन ऑफ गोए प्रू फॉर द एटी थ्री रजिस्ट फाइटिंग एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स मतलब इसमें क्या है रक्षा अधिकारी परिषद भारतीय वायुसेना के एटी थ्री स्वदेशिक तेजस लड़ाकू विमान खरीदेंगे डी सी ए ने तेरह सौ करोड़ रुपए स्वदेशिक विमान की मंजूरी दे दी है मतलब जो है विमान लड़ाकू विमान है वो खरीदे जाएंगे मंजूरी दे दी गई है डिफेंसिस के लिए तो ये आपका अच्छा पॉइंट है तो पता होना चाहिए आपको कि जो रक्षा अधिग्रह परिषद हैं उन्हें भारतीय वायुसेना के एडिटी स्वदेशिक तेजस शराब को विमान खरीदे हैं नेक्स्ट आता है कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन कल्चर अंदर टूरिज्म मिनिस्टर्स ऑफ प्रहलाद सिंह पटेल प्रहलाद सिंह पटेल द फेमस ब्लैक द सन ऑफ टेम्पल्स एंडपुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा डिस्ट्रिक्स टू इट टू वी इंक्लूडिंग इन दौघन स्टेट लिस्ट इन नाइनटीन मूवमेंट्स मतलब इसमें कहने का ये है कि केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के अनुसार प्रसिद्ध ब्लैक वन उड़ीसा उड़ीसा जो है हमारा पूरी जिले के कौनाटस में स्थित सूर्य मंदिर के नाइनटीन संस्कृत में आइकॉनिक साइट सूची शामिलित करेंगे आइकॉनिक साइड एक सूची क्या करेंगे शामिलित करेंगे चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट एक ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी इंडस्ट्रीज हैं डेवलपमेंट द बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एस आई डी बी आई द प्रिसिपलिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्रिएशन ऑफ इंगेजस्ड इन द प्रोमोटिंग इन द फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट एम एस एम ई विल भी स्टैंड फॉराम एक्सप्रेस ऑफ जून फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी अब इसमें बता रहा है कि जो एम एस एच के प्रसार के द्वारा वित्त पोषण और विकास संलग्न प्रमुख वित्त संस्था लघु आधोक विकास बैंक एस आई डी पाँच जून को स्वयं एक्सप्रेस की शुरुआत करेंगे स्वयं एक्सप्रेस के द रेलवे मिनिस्टर है प्लानिंग टू इलेक्शन इन द रिमेनिंग बोर्ड ऑन द नेटवर्किंग बाय द मंथ ऑफ दिसंबर इसमें बताया है कि जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने ने, ने रेल मंत्रालय सितंबर दो हजार तेईस से नेटवर्क पर शेष ब्रांड गेम मार्ग की विधिकृतिक योजना चालू करेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तक एक योजना चालू करेंगे ब्रांड ऑन तो ये पता होना चाहिए नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो इनके बारे में बात कर लेते हैं उन्होंने कहा है आज आप जनता कर्फ्यू ऑन द संडे विद इन द वीक ऑफ द कोव नाइनटीन आउट ट्वेंटी मार्च अब इसमें देखिए जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कोरोना वायरस के चक्कर में सबसे पहला उन्होंने कर्फ्यू कब लगाया था ये भी अब शेट क्वेश्चन में पूछ सकता है सबसे पहला कर्फ्यू उन्होंने बाईस मार्च को कोवा नाइन्टीन सात से नौ बजे तक जनता कर्फ्यू लगाया था नेक्स्ट बात करते हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ अ रेड व व्हाट्सएप शॉट वर्ट फॉर द क्यूरीज ऑफ नोवल कोरोना वायरस अब इसमें यह बता रखा है कि सरकार ने कोरोना कोई जानकारी के लिए व्हाट्सअप चैटबुक बनाया है जो हमारा गवर्नमेंट हेल्पलाइन नाइन जीरो वन थ्री वन फाइव वन फाइफ वन फाइव ही ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर इसमें है नहीं तो आप नोट कर लीजिएगा ऐसा कोई वो नहीं है दिक्कत सरकार ने ये व्हाट्सअप चैट के लिए भी बनाई कि आपको कोई प्रॉब्लम है कोई सिम्टम्स है तो आप इस चैट के थ्रू अपने आ, कोई भी डाउट्स एंड क्यूरीज है तो पूछ सकते हैं नेक्स्ट आपका बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दिनिंग ऑफ कोवान कोरोना वायरस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक ट्रैक एंड फोर्स द लेट विल द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जो है निर्मला नानी तो उन्होंने क्या किया है प्रधानमंत्री निर्मला सीतारामन प्रधानमंत्री ने आर्थिक प्रक्रिया कार्य बल गठन घोषणा वित्त मंत्री निर्मला मान ने करेंगी यह कार्य बल हितधिकारक संपर्क करेंगी मतलब जो फाइनेंशियल्स का वर्क है वो निर्मला जी देखेंगी और घोषणा करेंगी और आर्थिक ग प्रतिक्रियाओं पर कार्य और बल करेंगे संपर्क किया जाएगा नेक्स्ट बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एजुकेशन हैज़ एन एट न्यूज चल हेल्पलाइन नंबर्स ऑफ कोरोना वायरस एंड सेफ्टी गार्ड फॉर द इंस्टीट्यूट अब इसमें सेफ्टी भी होगी आप नंबर भी आपको टेलीफोन नंबर हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा नेक्स्ट होते हैं ई पास ई पास के बारे में बात करेंगे तो ई पास विल बी इश्यूज इज एसोशिएट विदेबल सर्विस सच इज द वेजिटेबल्स वाणर ग्रॉस एंड मिल्क सेलर सम्लायर्स एंड आइटम्स डेली तो ई पास लॉकडाउन के लिए ये जॉब नेट के थ्रू भी और नॉर्मली कभी ई पास बन जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या गवर्नमेंट ने ही ई पास जारी करा दिया है जो हमारे हमें फ्रूट्स लेने आते हैं चाहे हमें वेजिटेबल्स लेने आते हैं चाहे कोई भी हैं तो उनके लिए ई पास जारी किया इक्कीस दिन के नेशनल लॉकडाउन के बाद जब उन्होंने बाईस तारीख के बाद लॉकडाउन किया था थी। चौबीस तारीख में तो उसके बाद उन्होंने ई पास जारी करवा दिए थे मोदी जी ने नेक्स्ट बात करते हैं द फिफ्टींथ फाइनेंशियल कमीशन पंद्रहवें वित्त आयोग के सरकार ने राज्य कोशिश में रोड मैप समीक्षा एक समिति का गठन किया जो वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं अब इसमें बता रखा है कि उन्होंने क्या किया कमेटी का अध्ययन किया द नेशनल द फेशियल्स का रैंडम्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट पंद्रवी वित्त आयोग के सरकार ने राज्य कोशिश रोड मैप समीक्षी एक समिति गठन की जो वित्त आयोग की अध्यक्षता एन के सिंह के द्वारा किया नेक्स्ट बात करते हैं जनता कर्फ्यू कर्फ्यू जनताव टूडे फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपील फॉर द पीपल्स एंड वेलेट्रीज स्टे इनडोर्स टू चेक द स्प्रेड ऑन कोरोना वायरस एंड सेवेंट एम्ड इन नाइन यह मतलब सरकार ने देश को कोरोना को कोरोना वायरस को रोकने तथा नियंत्रण हेतु सार्वजनिक स्वच्छता विशेषकों की उच्च स्थानीय तकनीक समिति गठन की समिति नेता नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पाल करेंगे कौन करेंगे वी के पाल करेंगे इसमें यहाँ पे आपको बता दिया है इसमें भी है स्टे होम रहने के लिए कहाँ है जनता को नेक्स्ट बात करते हैं